बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बंद हो गुरुपद कंच बालकांड और ये पंचम सोरठा प्रथम सोरठे से भी अपनी गुरुनिष्ठा साबित करने के लिए भी गुरुनिष्ठा का दर्शन कराने के लिए भी गुरु वंदना कर सकते थे। प्रथम सोरठा में ही हो सकता था, पहला ही सोरठा ही हो सकता था बंद हो गुरुपद कंच। ऐसा न करके पांचवें सोरठे से गुरु वंदना शुरू हुई तो इसका भाव यह भी है कि पहले केवल निवेदन किया, नमन न किया, व्यक्ति में विनम्रता, वास्तव में नमन करने की वृत्ति, नमन करने का स्वभाव स्वाभाविक रूप से हम प्रणाम करें, ये बात तभी बनेगी जब हम गुरु की शरण जाए। जब तक गुरु की शरण नहीं गए तब तक जीवन में बहुत बार मंदिर तो गए, कई संतों के पास गए और जाकर मंदिरों में भी दर्शन किया, प्रणाम किया, बड़ों के आगे जाकर के प्रणाम किया, कई साधु संतों के पास जाकर भी हमने प्रणाम तो किया, लेकिन उस प्रणाम के पीछे या केवल औपचारिकता होती है कि बड़ों के आगे ऐसे ही रहना चाहिए। और मंदिर में गए, देवी देवताओं के शरण में गए, प्रणाम किया, वहां दर्शन किया, तो इसके पीछे या तो यही कि हमारी ये परंपरा है कि जाकर के दर्शन करो, उस परंपरा को निभाने के लिए, या फिर उस देवता से क्या चाहिए, उस कामना पूर्ति के लिए मंदिर गए, हाथ जोड़ लिए और अपने क्या क्या चाहिए, क्या कुछ चाहिए उसकी लिस्ट रखी। बस जहां पर हम मस्तक रखते हैं, जहां हम सर झुकाते हैं, जिन चरणों में, वहां हमें कृपा की भी याचना नहीं करनी होती। वहां जाकर कृपा की याचना करना भी तो ये साबित होता है कि उनकी कृपालुता पर हमारे मन में शक है। देखिए पांचों सोरठे भगवान गणेश जी को कहा करहु अनुग्रह सोई, अनुग्रह करो। भगवान सूर्य नारायण को कहा द्रवहु सकल कलिमल दहन, अब द्रवित हो जाइए, दया कीजिए, मेरे लिए दयावान हो जाए। भगवान नारायण को कहा करहु सो मम उर्धाम, मेरे हृदय में आप पधारिए। और भगवान शिव जी को कहा करहु कृपा मर्दन मयन, लेकिन गुरु महाराज को कुछ भी नहीं कहा कि आप ऐसा करो, कृपा करो भी नहीं कहा, अनुग्रह करो भी नहीं कहा, दया करो भी नहीं कहा। यह है विश्वास कि वो अनुग्रह करेंगे ही करेंगे, वो कृपा करेंगे ही करेंगे, है ही कृपा नाथ, है ही कृपा सिंधु, तो कृपा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। वो दया मूर्ति है तो दया नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, मतलब इसके लिए उनको कुछ करना नहीं होता, गुरु को नहीं कहना पड़ता कृपा करो, क्योंकि कृपा की कोई प्रक्रिया उनको नहीं करनी पड़ती, दया की कोई क्रिया उनको नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो तो है ही दया रूप,
है ही कृपा रूप, है ही करुणा स्वरूप। अगर वो करुणा स्वरूप ना हो तो उनको अपने भीतर विचार पूर्वक करुणा उत्पन्न करनी पड़ेगी। बेचारे की ये दशा है, बेचारे की ये हालत है, बेचारे की ये सब देखकर सुनकर उनको अपने भीतर करुणा उत्पन्न करनी पड़ेगी, तब वो करुणा करेंगे, तब वो दया करेंगे, जब दया उत्पन्न करें। लेकिन सदगुरु को अपने भीतर दया उत्पन्न करने की कोई प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो तो है ही कृपा सिंधु। इसलिए गुरुदेव को ये नहीं कहा कि आप कृपा करो, बल्कि सीधा सीधा गुरुत्व कैसा होता है, गुरु मूर्ति कैसी होती है, गुरु पद पर पहुंचे हुए महापुरुष कैसे होते हैं, सीधे सीधे एक एक शब्द में उनका परिचय है। बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदहु गुरु पद कंज, यहीं से, क्योंकि नमन करना अगर कोई सीखा तो वो गुरु से ही सीखा। नमस्कार तब होता है कि जब हमारी आंखों में दर्शन का भाव आता है। एक पत्थर भी पत्थर होता है, एक मूर्ति भी पत्थर होता है। आंखों को दिखने वाली हर चीज वैसे जड़ होती है, लेकिन उन जड़ चीजों में भी कहाँ कहाँ विशेष रूप से चैतन्य प्रकट हुआ है, उसका दर्शन वो कर सकता है जिनकी आंखों में दर्शन की भावना। दार्शनिक ही दर्शन करता है, जो दार्शनिक नहीं है वो तो मंदिरों में जाकर भी देखता है, बस मंदिर को देखता है, ठाकुर जी के स्वरूप को देखता है, तीर्थों में जाकर भी वो इधर उधर हर कोने में जाकर के देखता है। लेकिन जब व्यक्ति दार्शनिक हो जाता है, जिनकी आंखें दर्शन की प्यासी हो जाती है, तो फिर वो हर एक वस्तु से, हर एक घटना से, हर एक स्थान से दर्शन को ढूंढ लेती है कि इसमें ये दर्शन है, इसमें ये दर्शन। दुनिया का जो दृश्य हमारी बुद्धि की सीमा से परे हो वो दर्शन ही है, वो दृश्य नहीं है, वो दर्शन है। समुद्र की तरंगे, समुद्र की गहराई, समुद्र की जो अपार लंबाई है, चौड़ाई है, जो हमारी बुद्धि से कई गुना अलग है, तो फिर हम समुद्र नारायण कहेंगे उसको, क्योंकि जो बात बुद्धि की सीमा से ऊपर है, जो दृश्य बुद्धि की सीमा से परे है वो दृश्य नहीं होता, वो दर्शन है। लेकिन दार्शनिक की आंखें ही उस दृश्य से दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार ही तो हम संतों के दर्शन करते हैं, वो तो मनुष्य रूप में है। उसी प्रकार हम गुरु को दंडवत कर लेते हैं, वे तो मनुष्य रूप में है, लेकिन उनकी दया, उनकी ममता, उनकी उदारता, उनका परमार्थ, उनकी विचारधारा, उनका ज्ञान, उनका वैराग, ये सब कुछ एक सामान्य मनुष्य की स्थिति से बहुत अलग है, जो मनुष्य सोच भी नहीं कर सकता वो गुरु कर सकता है, वो संत कर सकता है, जो सामान्य मनुष्य पूरी प्लानिंग के बाद भी नहीं कर सकता, सब कुछ होने के बाद भी नहीं कर सकता। लेकिन वही कार्य जेब में कुछ भी ना हो एक महात्मा कर लेता है और सफल हो जाता है, इसीलिए वो हमारे लिए दर्शन है। दुनिया की ऐसी कई
जगह है। हमने पृथ्वी को क्यों दर्शन कहा, आकाश को क्यों दर्शन कहा, सूर्य चंद्र को क्यों दर्शन कहा, पेड़ पौधे को क्यों दर्शन कहा? क्योंकि ये सब कुछ हमारी बुद्धि की सीमा से परे है। और ऐसा जो भी कुछ है वो सब दर्शन है। तो दर्शन के स्थान में से हम दर्शन को ढूंढ ले, दर्शन तत्व को प्राप्त कर ले, उसमें से दृश्य में हम दर्शन कर ले। ये भाव हमारी आंखों में उस दिन बनता है जब कोई दृष्टिवान सदगुरु हमारी आंखों में दर्शन के भाव को जगा देते हैं। उसके बाद आंखें तो यही होती है लेकिन उसकी तलाश बदल जाती है। हमारी यही आंखें पहले क्या कुछ देखना चाहती थी, बाद में क्या देखने लगती हैं। पहले दुनिया की कौन सी सुंदरता को ढूंढती थी और अब वो कौन सी सुंदरता को ढूंढती है। तो आंखों की तलाश बदल जाती, आंखों की पसंद बदल जाती। जिन चीजों के पीछे वो पहले आसक्त थी अब वही चीज उनको उनको देखना भी पसंद नहीं है, वो वहां से बिल्कुल हट जाती है। हमारी आंखें फिर उन दृश्यों से अरुचि करने लगती है कि इसमें क्या देखना है। और जब मंदिर में जाकर ठाकुर जी का यही स्वरूप हो, यही हनुमान जी खोखरा हनुमान, यही द्वारकाधीश, यही राजा राम, यही जगदम्बा, यही सिद्धनाथ महादेव, उसमें कोई रोज रोज बदलाव थोड़ी हो जाता है, वही स्वरूप है, वही है। लेकिन फिर भी हमारी आंखें तृप्त नहीं होती उसको देखने से, मतलब कि आंखों की दिशा बदल गई। तब वो दर्शन तत्वों को ढूंढने लगते हैं और फिर जिस आकार में से उनको निराकार प्राप्त होने लगता है, जिस दृश्य में उनको अलौकिकता प्राप्त होने लगती है, तो वो बार बार उधर जाना चाहेगी। ये स्थिति, हमारी आंखों की ये स्थिति केवल सदगुरु बना देता है। और उसके बाद ही सही अर्थ में व्यक्ति वंदन करता है। इसके पहले मंदिर जाते थे, प्रणाम करते थे, पूजा करते ही थे, फूल चढ़ाते ही थे, लेकिन फिर भी वो नमन नहीं था। क्योंकि नमस्कार करने वाला, मस्तक रखने वाला कृपा भी नहीं मांगता, अब और क्या मांगेगा। जहां मस्तक रख दिया तुलसीदास जी ने, तो देखिए पूरे गुरु वंदना में वंदन किया, लेकिन ये नहीं कहा कृपा करो, बल्कि यही बता दिया कि मुझे भरोसा है कृपा सिंधु नर रूप हरे। यहां से कृपा ही होगी और कुछ होगा ही नहीं, ये विश्वास है। गुरुदेव के चरणों को नमन, चरणों को नमन करने का भाव, जो चरण जिस दिशा में जाता है, चरणों की जो गति है, जिस दिशा में गति है, उस गति को प्रणाम है। अध्यात्म में हमारी गति तभी होती है जब हम गुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हैं। भगवान के गुणों का स्मरण किया जाता है, भगवान के नाम का जप किया जाता है, लेकिन जिनको इन आंखों ने प्रत्यक्ष देखा है उन्हीं के चरणों का ध्यान किया जाता है। ध्यान उसका जिनको हमने कभी देखा है, जिनको कभी देखा ही नहीं है, जब उनका ध्यान करें उस समय मन तर्क करता है। भले ही कितने भी एकाग्रता से बैठे हुए दिखोगे आप, लेकिन मन तर्क करेगा कि तुम जिस स्वरूप का ध्यान कर रहे हो वो तो कल्पना है तुम्हारी, भगवान तो उससे भी अलग हो सकता है,
परमात्मा तो उससे भी अधिक सुंदर हो सकता। भगवान की जो मूर्तियां हम मंदिरों में देखते हैं उससे तो कुछ लोग भी ज्यादा सुंदर होते। मन उसमें जाता तो है लेकिन मन उस स्वरूपों में टिक नहीं पाता, और ध्यान में मन का टिकना महत्वपूर्ण है, और मन उसी में टिकता है जिसमें मन को कोई शक ना हो। परमात्मा के किसी रूप को हमने प्रत्यक्ष देखा नहीं, जो शास्त्रों के आधार पर सारे स्वरूप है वो निश्चित ही सुंदर है, अद्भुत है, दर्शन है, लेकिन मन तो नहीं मानेगा, वो तो नादान है, एक नादान बच्चे के समान है। वो तो ध्यान में जब बैठोगे तब भी तुम्हारे सामने ये सवाल खड़ा करता है कि इसमें तुमने जहां मुझे भेजा है क्या भगवान ऐसा ही है, क्या ऐसा ही है। इन आंखों से जिनको हमने प्रत्यक्ष देखा हो, जब हम उन चरणों का ध्यान करते हैं तो फिर मन के सामने कोई सवाल नहीं रहता। जब मन टिक जाता है तो बुद्धि का विकास होने लगता। सेकंडों के लिए भी मन कहीं स्थिर हो जाए तो सेकंडों के लिए भी मन स्थिर हुआ, उन्हीं सेकंडों में हमारी बुद्धि का कमल खुलता है। हमारी बुद्धि में जो बहुत सारी पंखड़ियां हैं, योग में भी ये बताया जाता है कि जो ये हमारा शस्त्रार्थ है यहाँ तो हजारों पंखड़ियां हैं लेकिन ये कमल बंद है, उस बंद कमल को हमें खोलना है। और ये आज्ञा चक्र है हमारा, और यहाँ का जब हमारा पूरा कमल खिल जाता है तो उसके बाद कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। उस पंखड़ियों को खोलना है, और उसको खोलने की एक ही चाबी है, मन स्थिर होता है तो बुद्धि का विकास होता है। सेकंडों के लिए अगर मन स्थिर हुआ तो उस मात्रा में भी हमारी बुद्धि खुलेगी, और जितनी खुलेगी उतने रहस्य खुलेंगे हमारे सामने। रहस्यों की कोई किताबें नहीं होती, भले ही कोई किताब ऐसी मिल भी जाए कि बहुत सारे रहस्य इसमें हैं, लेकिन रहस्य बाहर नहीं होता, रहस्य साधक के भीतर खुलता है। शिष्यों के भीतर रहस्यों का उद्घाटन होता है। बुद्धि जिस मात्रा में खुलेगी उस मात्रा में ईश्वरीय रहस्य बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ पन्ने घुमाए, रहस्य हमारे सामने तादृश्य हो जाता। मन अधिक समय तक एकाग्र हो जाए तो फिर उस मात्रा में बुद्धि का विकास होता है, और जैसे जैसे पंखड़ियां खुलती जाएगी वैसे वैसे वो सारे रहस्य हमारे सामने प्रकट हो जाए। उस बंद कमल को कैसे खोले? तालाब में जो कमल होता है ना, उसको भी जब पंखड़िया खोलो तो बहुत नाजुक होती है, वो पंखड़िया टूटने का पूरा डर रहता है, बहुत नाजुक पंखड़िया होती है कमल की। उसी प्रकार हमारी बुद्धि में जो कमल है, हमारे हमारे फाल में, हमारे ललाट में, हमारे आज्ञा चक्र पर जो है, जो हमें उस कमल को खोलना है उसकी चाबी मन है। मन एकाग्र हो जाए तो बुद्धि खुलने लगती है। मन की एकाग्रता से, बुद्धि के विकास से जो रहस्योद्घाटन होता है, फिर वो रहस्योद्घाटन जहां तक वाणी पहुंचे वहां तक महापुरुष जगत को देते हैं। उसी को ही तो सत्संग कहते हैं, उसी को कथा कहते हैं, उसी को सदग्रंथ कहते हैं।
लेकिन वो हमें शब्दों के रूप में मिला है ना, फिर उसी शब्दों के अनुसार, उसी वचनों के अनुसार जब हम आगे बढ़े, साधना करें, तब उस भूमिका में हम जाए। कोई नक्शा हमारे सामने रख दे किसी भी स्थान का, उससे वो स्थान नहीं दिखता, वो नक्शा है, उसके अनुरूप जब हम जाएंगे तब हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो जिनको ये रहस्य प्राप्त हो गया, फिर जैसा दिखता है, जितना दिखता है उतना बताना संभव नहीं है, क्योंकि शब्दों की सीमा होती है। शब्दों की सीमा में रह करके जब वो अपनी बात को दुनिया के सामने रखें, उससे लोगों के लिए फिर वो मार्ग प्रशस्त हो जाता है, मार्गदर्शन हो जाता है। तो बंद हो गुरुपद कंज, गुरुजनों की जो गति है, गुरुजनों का जो व्यवहार है, गुरुजनों का जो परमार्थ है, निष्ठावान तो वही है कि वो वहीं से प्राप्त कर ले सीधा। अपने व्यवहार के द्वारा उन्होंने जो हमको बताया है, शिष्य तो उनके पद चिन्ह पर चलता है ना, यही है बंधु गुरु पद कंज, उनके पद चिन्ह पर चलना, वो है बंधु गुरु पद कंज। अधिकारी शिष्य अपने गुरु का जीवन चरित्र केवल किताब बना करके दुनिया के सामने नहीं रखता, वो अपने व्यवहार में अपने गुरु का जीवन डाल करके उनका जीवन चरित्र बना। ठीक है, वो भी एक व्यवस्था है, क्योंकि सब लोग उस तरह नहीं समझ सकते। लोग चाहेंगे कि कुछ किताब भी बने, कुछ हमें जानकारी किताबों के माध्यम से मिले, लेकिन हमें वहाँ रुकना नहीं चाहिए। केवल उतना ही करके हम मान लें कि हमने बड़ा काम कर दिया, कि हमने गुरु की जीवनी की पूरी किताब बना दी, 100, 200, 500 पेज की, और लोगों में हमने बांट दी। ये पर्याप्त नहीं, ये जरूरी है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। शिष्य के लिए तो पर्याप्त, स्वयं का कल्याण इसमें है कि हम उनके जीवन चरित्र को अपने जीवन में डालें, उस जीवनी को हम जिए। उस जीवनी को हमें केवल लिखना नहीं है, हमें उस जीवनी को जीना है। उनके पदचिन्ह पर चल करके हमें उनके जीवन को जीना है, और उनके जीवन को जीने का नाम है बंधु गुरुपद कंज। तब हमने उनको सही अर्थ में, उन चरणों को हमने माना है, उन चरणों को पकड़ा है, उन चरणों में हमने हम नतमस्तक हुए, इसका यही प्रमाण है। ऐसा हम क्यों करें, तो इसका उत्तर है कि बिना मांगे उन्होंने कृपा सिंधु नर रूप हरे, बिना मांगे कृपा के। हमारी ऐसी कौन सी योग्यता, अगर कोई भी शिष्य अपने अपने आप को देखे, अपने भीतर झांके, चलो हम देख ले, आप देख लो, कोई भी देख ले, तो हमारे भीतर जब हम उनकी शरण में गए, तब ऐसी कौन सी खूबी थी कि वो हमको अपनाए? कुछ भी नहीं था। जब हम अपने गुरु की शरण में गए, उस समय हम जैसे थे, हमारी योग्यता जैसी थी, वैसी ही योग्यता लेकर के आज हमारे पास कोई आएंगे तो क्या हम अपनाएंगे? हम नहीं अपनाएंगे, हम कहेंगे अरे बिल्कुल लायक नहीं हो, कुछ भी नहीं आता, न ढंग से बैठना आता है, न ढंग से बोलना आता है, न ढंग से चलना आता है। वैसे ही तो थे हम सब, जब हम उनकी शरण में गए तो कोई ढंग तो था नहीं, नहीं बोलने का, नहीं बैठने का, नहीं उठने का, नहीं खाने का, नहीं पीने का, कोई ढंग ही नहीं था। बिना आकार का जो पत्थर निकलता है खदान से, बेढंग पत्थर,
वही तो थे हम सब। अब ऐसा ही कोई बेढंग व्यक्ति आज हमारे सामने आता है कि हमें अपनाओ, तो क्या हम अपनाएंगे? हमें तो उसमें कोई विशेषता नहीं देखी, किसी काम में नहीं आओगे तो जाओ यहाँ से। लेकिन याद करें तो हम सब भी जब गुरु की शरण गए तब ऐसे ही तो थे, जो किसी काम के नहीं। स्वयं के लिए कबीर साहब ने कहा किसी काम के थे नहीं जब हम उनकी शरण गए, हम तो किसी काम के थे नहीं। पकाना तो नहीं आता था लेकिन ढंग से खाना भी नहीं आता था, किसी काम के थे नहीं। कोई न पूछे गांव कृपा भई गुरुदेव के, तो फिर लोग पूजन लागे पाऊं। उस बेढंग पत्थर को कुछ आकार दिया वो तो उन्होंने दिया, कोई योग्यता नहीं थी हमारे अंदर। अकारण कृपा की, और कृपा सिंधु बताया, कृपा सिंधु। समुद्र तक हमें नहीं जाना पड़ता, जब हम 50, 100, 200 फीट की दूरी पर पहुंच जाएं तो कभी कोई तरंग ही ऐसी आ जाती है जो हमको पूरा स्नान करा देती, वो हमको पूरा गीला कर देती, अपने अंदर ले लेती, अपने रंग से रंग देती है। गुरु की शरण भी, हम गुरु तक नहीं पहुंच सकते लेकिन हम मंदिरों में जाए, तीर्थों में जाए, सत्संग में जाए, बस मतलब ये किनारे पर जाकर बैठने का तरीका है, कोशिश है केवल उस माहौल में जाने की। और जब हम तो केवल किनारे पर जाते थे, हमारा कोई प्रयास नहीं था कि हम डूब जाए, हमारा पूरा रंग बदल जाए, हम उसमें तन्मय हो जाए, इसके लिए तो जाते नहीं थे। मंदिर भी जाते थे तो भगवान से दो चीज मांगने के लिए जाते थे, कोई इरादा तो था नहीं कि हम उसमें मग्न हो जाए, हम मस्त हो जाए। मस्ती के लिए कौन जाता था, सब कुछ छोड़ छाड़ करके हम भगवान के हो जाए इसके लिए कौन जाते थे? बस हम तो संस्कार वश बस उसमें जाते आते थे। लेकिन ऐसे में सिंधु तो वो स्वयं है, वो स्वयं सागर हैं कृपा के, कि वो आकर के उन्होंने अपनी गोदी में ले लिया। तो कृपा सिंधु नर रूप हरे, मनुष्य रूप में वो हरि है, नर रूप हरि का भाव है। तुलसीदास जी अपने गुरुदेव को भगवान नरसिंह का अवतार मानते हैं। भगवान नरसिंह जब प्रकट हुए प्रहलाद जी की रक्षा के लिए तो खंभा तोड़ करके प्रकट हुए, मंदिर से प्रकट होते, मंदिर की मूर्ति से प्रकट होते, कोई तीर्थ की भूमि से प्रकट होते, गंगा तट पर प्रकट होते, तब भी स्वाभाविक घटना लगती। लेकिन मंदिर की मूर्ति से नहीं, घर के पत्थर से भगवान का प्रागट हुआ। जब निष्ठा हमारी प्रहलाद जैसी हो, गुरु के प्रति हमारा समर्पण हो, हमारी पुकार आह्लादक हो, हमारा आर्तनाद प्रहलाद जैसा, विद्वता भले ही उसमें ना हो, वो तो बच्चा था, विद्वता भले उसमें ना हो लेकिन हमारी आर्तता प्रहलाद जैसी हो, तो गुरु कृपा से हमारा ही ये 5 फीट का जो शरीर है इसी खंभे से भगवान का प्रागट्य हो जाएगा। बाहर वाले किसी खंभे से नहीं, हमारे अपने ही देह के, शिष्य के अपने ही देह से, इसी खंभे से नारायण प्रकट हो जाएगा। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करने कर। और ये सारी की सारी प्रक्रिया गुरुदेव उनके आचरण से अगर हम समझ ले तो अच्छी बात है, लेकिन उनके व्यवहार से जो ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता
तो उनके लिए केवल वचन मात्र से वो ये सारी प्रक्रिया को पूर्ण कर देते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, महामोहतम पुंज चासु वचन रवि कर निकर। यहीं से रामचरितमानस में वंदना की शुरुआत।